हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। मैं रागिनी आपका श्री एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पिछली दो क्लासेस जो हुए हैं फूड डिजीज एंड हेल्थ पे हुई हैं, और एक दूसरा पहला जो लेक्चर था वो इन्वायरमेंट पे हुआ था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हम लोग तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे गए हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का अगर कोई सजेशंस हो जो मेरे वीडियोज हैं उस पर ज़रूर दें। सबसे पहले हम लोग इस क्लासेज में थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, और आर्ट सेक्शन है इस ईवीएस का जो सारे सी टेट और सारे टेट्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो तो आगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। थैंक यू। आज का टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड अब प्लांट्स एंड एनिमल में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स से मतलब पौधों का प्रकार। देखिए, पौधों के जो प्रकार होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला हर्ब्स होता है, श्रब होता है, ट्रीज होता है, क्रीपर होता है एंड क्लाइंबर होता है, ठीक है? सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं हर्ब्स को लेकर, ठीक है? तो हर्ब्स क्या होता है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो आप लोगों ने अपने आसपास तुलसी का पेड़ तो देखा ही होगा। सबके घर में तुलसी का पेड़ होता है। इस हर्ब्स को आप ध्यान से देखें, ये छोटा प्लांट होता है, नॉन वुडी स्टेम। जो इसके जो होते हैं स्टेम जो होता है वो बिल्कुल उड़ के नहीं, लकड़ियाँ उनमें नहीं होती, छोटे छोटे पतले पत्ते वो डालियाँ होती हैं, उनसे थोड़े थोड़े पत्ते निकले होते हैं, ठीक है? तो एक छोटा साइज का प्लांट होता है और इसमें नॉन ओडी होता है, ठीक है? अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल हो गया तुलसी हो गया, दूसरा आप अजवाइन का भी पेड़ देख सकते हैं, ये भी हर्ब्स में ही आता है, ठीक है ना? तुलसी, अजवाइन, अजवाइन को आप दूसरे में कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल छोटे छोटे पेड़ों में सबसे जो हर्ब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो तुलसी होती है, ठीक है ना? तो छोटे पेड़ों में जिनकी पतली पतली तनाएं होती हैं, उनसे पत्ते निकले होते हैं, और हमें जो कि हमारे डेली यूज में हमारे घर में हमारे हेल्थ पर्पज से यूज होते हैं किचन में, वो ठीक है। तो ये हर्ब्स हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक कवर करते हैं इसी में, श्रब। तो श्रब जो होता है वो मीडियम बसी प्लांट होता है, ठीक है? तो मीडियम, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल सबसे है रोज फ्लावर। रोज होता है, रोज प्लांट। तो रोज का प्लांट आप लोगों के घर में, सबके घर में होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो ये होते हैं ये पतले पतले वुडन स्टेम होते हैं, ठीक है? उनसे क्या होते हैं कि पत्ते जुड़े होते हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं। तो जो छोटे ये पतले पतले जो स्टेम होते हैं ना, इनसे जो पौधा बनता है, और छोटा साइज का मीडियम साइज का जो पौधा होता है उनको हम श्रब बोलते हैं, ठीक है? जैसे इसमें ये आपका आ गया रोज प्लांट आ गया। अब हम बात करते हैं ट्री की। तो ट्री जो होता है, जैसे नाम ही सही बता रहे, तो ट्री जो होता है टॉल होता है, पेरिनियल होता है, ठीक है? प्लांट विद ए सिंगल वुडी स्टेम आर ट्रंक्स। इसमें क्या होता है कि देखिए, एक सिंगल आपका ये ट्रंक होता है मोटा सा, और उसी पे सारा जो है वो पिलर का काम करता है सारा पेड़। फिर धीरे धीरे उसे छोटे छोटे तनाएँ निकले रहते हैं, फिर बाद में वो बड़े यंग हो जाते हैं, उनसे उन पे प्लांट, उस प्लांट पे फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, पत्तियाँ भी आती हैं। मतलब एक मोटा सा ये ट्रंक होता है जिसपे सारा पेड़ का बेस होता है, ठीक है? जैसे हमारा एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं मैंगो प्लांट, ठीक है? तो मैंगो प्लांट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप ले सकते हैं अपने आसपास, क्योंकि मैंगो का प्लांट सबके घर में होता है। तो ये हो गया बनियान ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया,
आप अगर जामुन का ट्री है, ये सारे जो होते हैं ये हमारा ट्री में आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है क्रीपर की। तो क्रीपर में देखिए थिन होता है, वीक स्टेम्ड, इसकी जो ये होती हैं तनाएं होती हैं वो स्टेम होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, एंड क्रीप्स अलोंग द ग्राउंड। और जब ना, कई बार आप लोगों ने अपने घर में अगर कोई सब्जी उगाई होगी तो देखा होगा कि हम प्लांट लगाते तो बड़े होते हैं लेकिन धीरे धीरे जमीन पे ही फैलते हैं, ग्राउंड के सहारे बढ़ते जाते हैं। इसमें यहाँ पे कटहल कोहड़े की जो सब्जी होती है वो क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे वो धीरे धीरे अपने ग्राउंड के, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ग्राउंड के सहारे आगे बढ़ता जाता है। इसमें फूल भी होते हैं इसके, लेकिन जो तनाएं होती हैं ना वो बहुत कमज़ोर होती हैं, इसीलिए वो ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं है, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो जमीन फ्लोर के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो पतली होती हैं, कमज़ोर होती हैं और ग्राउंड के सपोर्ट से आगे बढ़ती हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो क्लाइंबर होता है, जैसे क्लाइंब का मतलब चढ़ना, चढ़ना कहाँ, मतलब अब नेचुरल से बात है ऊपर चढ़ना। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंबर में अगर कोई बीच में हम सपोर्ट लगा देते हैं, कोई मोटी लकड़ी या सपोर्ट सिस्टम अगर लगा दिए तो उसी के सहारे क्या होता है, जो क्लाइंबर होता है ना ऊपर चढ़ते जाता है। ये भी, इसकी भी जो तनाएं होती हैं पतली होती हैं, वीक होती हैं, स्टेम जो होती हैं, और लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। जो क्रीपर होता है वो ग्राउंड की सपोर्ट से ग्राउंड की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों में यही फर्क है, क्लीपर और क्लाइंबर। ठीक है, क्लीपर हमेशा ग्राउंड की तरफ और क्लाइंबर हमेशा अपसाइड। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ प्लांट हुआ जिसमें हमने हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं इसी में। इसमें है देखिए एनिमल्स एंड रेसिपेटरी ऑर्गन्स। रेसिपेटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, श्वसन जो ऑर्गन होती है। ठीक है, वो मतलब जैसे हम सांसों, हम जो हमारा जो रेसिपेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। हम कहाँ से सांस लेते हैं, हमारा ज़्यादा श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो हैंडल होती है वो लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू होती है। तो उसी में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल आर एंड रेसिपेटरी ऑर्गन। उसमें देखिए हमने कवर किया है मैन, मनुष्य का, लायन, शेर, काऊ, गाय, स्नेक, लिजर्ड, छिपकली एंड बर्ड्स, ये सारे जो हैं लिविंग एनिमल्स जो जिसमें अभी मैंने डिस्कस किया वो कहाँ से अपना, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। अर्थ वॉर्म्स तो आप लोगों ने जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि अर्थ वॉर्म्स मिट्टी के अंदर होते हैं, और जब ये बारिश होती है तो उनकी जो घरें होती हैं मिट्टी होती हैं उसमें पानी भर जाता है तो वो बाहर निकल निकल घूमने लगते हैं। आपको जब भी बारिश होती है अर्थ वॉर्म जरूर दिखता है। ठीक है, अर्थ वॉर्म्स का जो होता है वो सांस जो लेता है श्वसन में वो स्किन के थ्रू होता है। फ्रॉग जो होता है उसका दोनों से होता है, स्किन से भी उसका श्वसन प्रक्रिया चलती है और लंग्स से भी होता है। ठीक है, स्किन एंड लंग्स। ऑक्टोपस ये जो पक्षी होता है और फिश, इन दोनों का गिल से होता है। ठीक है, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होता है। और वेल एंड डॉल्फिन, ये दोनों फिश है, मछलियां हैं, जिसमें वेल काफी बड़ी मछली होती है, डॉल्फिन भी बड़े, इनका रेस्पिरेटरी लंग्स है। जैसे हमारा लंग्स है वैसे वेल एंड डॉल्फिन का भी लंग्स ही होता है। तो इसमें देखा हमने मैन, लॉयन, काउ, स्नेक, लीजर्ड, बर्ड्स, फ्रॉग और वेल एंड डॉल्फिन का तो मोस्टली सबका लंग्स ही है, बस अर्थ फॉर्म है जो स्किन से अपना श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करता है, और ऑक्टोपस एंड फिश है उनका गिल के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। कई बार ये सी टेट वगैरह, टेट्स वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं, बस आप उनको याद रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि जो ये लिविंग बींग्स है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात होती है, ऑल लिविंग बींग्स गेट एनर्जी फ्रॉम, सारे जो लिविंग, सारे जीवित, लिविंग बींग्स मतलब जीवित प्राणी, ये आपको अपना जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो अपना देख सकता है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश है,
एसिड को, आई फील कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स हैं, सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो खाना भोजन इसीलिए ग्रहण करते हैं कि वो उनको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी रहेगी तभी वो अपना डे टू डे रूटीन वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने जो अपने काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें देखिए तो इसमें प्लांट ही ऐसा है, लिविंग बींग है जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद स्वयं बनाता है। बाकी एनिमल्स एंड सारे जो मनुष्य हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे। प्लांट्स ही ऐसा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी एनिमल्स एंड अदर मनुष्य जो हैं वो पौधों पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, लेकिन जीव जंतु पौधों पे आश्रित होते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, ऑल लिविंग बींग सारे जीवित प्राणी रेस्पायर सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन करते हैं, ऑल, ठीक है। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो है श्वसन है, रेस्पिरेशन का हिस्सा है। श्वसन प्रक्रिया एक ऐसा जीवंत एक प्रोसेस है जिसमें जब भी हम पैदा होते हैं तब से वो शुरू होता है, इवन जब भी हम गर्भ में होते हैं तभी से हमारा सारे जब ऑर्गन बन जाते हैं, हार्ट बीट आ जाती है, तो प्रोसेस शुरू होती है। और जब तक हम इस दुनिया में बाहर आते हैं, फिर जब तक हम जीवन जीते हैं, तब तक हमारी ये ब्रीदिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, और जिस दिन ये ब्रीदिंग बंद होती है इंसान मृत हो जाता है। तो ये रेस्पिरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इवन रेस्पिरेशन है तो ब्रीदिंग है, ठीक है। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन मतलब को होता है कि कोई भी अनवांटेड थिंग्स है, चीजें हैं, उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उनको रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर बात की जाए तो एक्सक्रिएशन क्या है कि जैसे सबसे एक्सक्रिएशन ऑर्गन में देखिए किडनी होता है। कोई भी चीज़ हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी किडनी जो होता है उसको फिल्टर करके जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको नीचे के रास्ते से यूरिन के रास्ते बाहर निकालती रहती है। तो ये एक्सक्रिएशन पार्ट। साथ ही अगर हमने खाना खाया तो उसमें से सारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद कुछ चीज़ें अनवांटेड रह गई जिनका कोई बॉडी में ज़रूरत नहीं है, तो वो मल के रास्ते से बॉडी से निकल जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस यूरिन एंड मल त्याग एक्सक्रिएशन प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो बॉडी से खराब चीजों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी रेस्पिरेशन होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है, और डाइजेशन खाना का पाचन होता है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं। पाचन और श्वसन के दौरान अवशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, ये बहुत जरूरी होता है बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। इन अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में रहते हैं तो ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, फिर ये टॉक्सिन धीरे धीरे इकट्ठा होते बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम यूरिन फ्रिक्वेंटली जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रिंकिंग जो भी पानी यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर पानी पिए ताकि हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन क्रिएट हो रहा है यूरिन के रास्ते से निकले और हमारा पेट कंप्लीटली क्लीन हो मॉर्निंग में। तो ये इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हम जब चीज़ें अवशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी से निकल जाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्थ क्लीन हो जाती है, और जब क्लीन बॉडी में क्लीन माइंड आपका डेवलप होता है और हमारे बॉडी बीमारियों से दूर रहती है और हम खुद भी स्वस्थ और सुखी रहते हैं, ठीक है। स्वेट इज ऑल्सो वेट मटेरियल। आपने कभी सोचा है कि स्वेट जो होता है, पसीना होता है, जब भी हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे काम करते हैं, तो स्वेटिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि स्वेटिंग से ही हमारे, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हम नमक खाते हैं, उन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें,
चीजें निकलती रहती हैं। ये मतलब अगर डेली अगर स्वेटिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बट आज के टाइम में ये सब चीजें मतलब कहीं कहीं डिस्टर्ब होती जा रही है, क्योंकि लोगों का जो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि मोस्टली जो चीजें हैं वो लोग आजकल ब्रेन वर्क ज्यादा हो गया है और फिजिकल वर्क कम हो गया, यही सब रीजन है कहीं ना कहीं बीमारियां ज्यादा हो रही है लोगों को। ठीक है, प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। जो पौधे होते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, उसके देखिए हमारे जब भी पौधे होते हैं तो उनकी में भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है, बट वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने सही तरीके से यूज भी कर लेते हैं, तो सो उनके लिए इतनी समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्लीपिंग टाइम ऑफ एनिमल्स। जानवरों का, जीव जंतुओं का स्लीपिंग, कौन एनिमल कितना सोता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो हम लोग इस पर डिस्कशन आइए करते हैं। देखो, काऊ जो होता है उसका स्लीपिंग टाइम है 4 आवर्स। ठीक है, पाइथन इनका 18 आवर्स, जिराफ सबसे लंबा जिसका एनिमल जिसका नेक बहुत बड़ा होता है उसके उसका स्लीपिंग टाइम होता है 2 आवर्स। जो कैट होती है उसका स्लीपिंग टाइम होता है 12 आवर्स। ठीक है, लीजर्ड छिपकली ये 24 घंटे, इवन एक सीजन। जब भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि छिपकली जो होती है वो गर्मियों में तो दिखती है, बट ठंड के सीजन में लगभग ऑलमोस्ट एक सीजन के लिए ही वो बिल्कुल गायब हो जाती है। ऑलमोस्ट या 24 आवर्स या 1 सीजन आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, स्लॉथ 18 आवर्स, एलिफेंट्स 2 to 4 आवर्स। ये जो लीजर स्लॉथ है, एलिफेंट्स है, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे इसी क्लास में आगे। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग टिडबिट्स, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता रहने चाहिए, जैसे हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। ये मतलब ऐसे फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जीएस में भी आ जाते हैं, आपके इन्वायरमेंट में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन बॉडी हैव 206 बोन्स, 206 बोन्स। जो मनुष्य से होता है उसके शरीर में कितने बोन्स होते हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इज द थाई बोन, इसको फीमर बोलते हैं। जो तो सबसे लंबी हड्डी होती है वो थाई की होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टेप्स प्रेजेंट इन ईयर्स, हमारे कान में स्टेप्स होते हैं, ये सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कानों में प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, सबसे लंबी जो होती है थाई बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो स्टेप्स बोन होती है जो कि कान में प्रेजेंट होती है। ऑस्ट्रिच एंड ईमू कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच और ईमू पक्षी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जानते हैं कि सारे जो बर्ड्स हैं सभी उड़ते हैं, बट यही दो बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रिच तो सबसे मतलब ग्राउंड पे रहने वाली सबसे मतलब बड़ी बर्ड है, लॉन्गेस्ट बर्ड है, तो हो सकता है कि उसकी हाइट जो है भी है उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं उसको फ्लाइंग में। ठीक है, डक्स एंड फ्रॉक्स स्विम, ठीक है, जो डक्स होते हैं और स्विम फ्रॉग होते हैं वो तैर जाते हैं, उनकी फिट में जो होती हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो डक और मेढक होते हैं उनकी पैडेड फिट होते हैं, इनकी आपने ध्यान दिया होगा वो उनकी पैर चौड़े चौड़े थे, हमारे 5 उंगलियों के बराबर, 4 उंगलियों की तरह से उनका पैर होता है, चौड़े चौड़े होते हैं, सब एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उससे उनको क्या होता है कि तैरने में जब भी वो पानी में होते हैं ना तो बहुत सपोर्ट होता है, एडिड फिट होता है, जिससे उनको तैरने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे डक्स एंड फ्रॉक्स स्विम ड्यू टू पैडेड फिट। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखिए
अभी तो बहुत सारी चीजें थी, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग एनिमल्स पे आते हैं। कुछ खास खास एनिमल्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्लॉथ है, तो स्लॉथ क्या, ये बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो स्लॉथ होता है, तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो स्लॉथ होता है मंकी की तरह से होता है। बट मंकी क्या होता है कि पेड़ों पे कूदता है, ये भी पेड़ों पे ही रहता है, बट ये पेड़ों की टहनियों पकड़ के, जैसे यहाँ पे है, उल्टा लटका रहता है। ये किसी पेड़ पर चढ़ जाता है और उसी पे पेड़ पे रहता है, उसी पे लटक के रहता है, उसी पेड़ की पत्तियों को ही खाता है और उसी के पे जीता है। लेकिन जब सारी पत्तियाँ उस पेड़ की जब खत्म हो जाता है, तो उस पेड़ से उतरता है। इस एनिमल की खास चीज यही होती है कि पेड़ों पे ही रहता है, उस एक पेड़ पर चढ़ जाने के बाद उसी की सारी पत्तियों को खाता है। जब वो पत्तियां सारी खत्म हो जाती हैं उस पेड़ से, तो वो उतर जाता है। तो ये स्लॉथ और एनिमल, अरे मंकी में ये फर्क होता है कि एनिमल ये मंकी की तरह से ही दिखता है, बट इसका रहन सहन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ये उल्टा हमेशा अप टू डाउन की तरह से लटका रहता है, ठीक है। तो देखिए, स्लॉथ इज लाइक मंकी, स्लॉथ मंकी तरह से होता है। इट हैंग्स फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ से लटका रहता है। इट स्लीप 17 to 18 hours, या 17 से 18 घंटे सोता है। लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, इतने टाइम वो काफ़ी लेजी एनिमल है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक सोता है, बहुत शांति से रहता है। इट ईट्स ऑल द लीव्स ऑफ ए ट्री, सारे पेड़ जिस पेड़ पर चढ़ जाता है उस पर सारे पत्तियों को खा जाता है। मैंने हिंदी में भी लिखा है, स्लॉग बंदर की तरह दिखता है, तो ऊपर से नीचे लटका हुआ रहता है। 17 से 18 घंटे इसका स्लीपिंग टाइम है, और जिस पेड़ पे रहता है तो सारी पत्तियों को ये खा जाता है। ठीक है, खा जाता है। अब आते हैं हम लोग एलिफेंट के बारे में बताते हैं। ग्राउंड पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल जो हुआ है वो एलिफेंट है, ठीक है। बहुत ही विशाल, बहुत ही प्यारा एनिमल जो है वो एलिफेंट होता है। एलिफेंट का क्या होता है कि जो रेगुलर डाइट है, रेगुलर डाइट में डे टू डे लाइफ में डेली एलिफेंट जो होता है वो 100 kg लीव्स, 100 kg पत्ते को खाता है। एलिफेंट जो होता है कंप्लीटली वेजिटेरियन एनिमल है, इसी पेड़ पौधे इन्हीं सब फल फूल ही खा के जीवित रहता है, ठीक है। इट लव्स टू प्ले विद मड एंड वाटर, यह मड कीचड़ और पानी, जो पानी होता है उनको खेल उससे खेलना बहुत पसंद करता है, ठीक है। इट स्लीप्स ओनली 3 to 4 hours, ये बस 3 से 4 घंटा सोता है। जैसे अभी हमने स्लॉथ के बारे में सोच पढ़ा था, तो स्लॉथ जो होता है वो 17 to 18 hours होता है, काफ़ी आलसी प्राणी होता है, जंतु होता है। बट ये जो एनिमल होता है एलिफेंट, वो बहुत कम सोता है और बहुत ही एक्टिव एनिमल है, ठीक है। इट यूजेस इट ईयर्स एज फैन टू कूल इट, जब इसको एलिफेंट को गर्मी होती है तो अपने कान, इसके कान जैसे आप दे सकते हैं, इसके जो कान होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अपने कानों को हिला हिला के हवा करता है और अपने आप को कूल डाउन करता है, ठीक है। इन द हर्ड ऑफ एनिमल, हर्ड ऑफ एन एलिफेंट्स ओल्डेस्ट फीमेल इज लीडर, जब इनका जो ग्रुप होता है, ये कहीं भी जाते हैं तो एक ग्रुप में जाते हैं एलिफेंट्स, उसमें 10 से 12 एलिफेंट्स होते हैं। इसमें यंग वन छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़ी एलिफेंट्स होती हैं, और मोस्टली यही होती हैं। सबसे बूढ़ी जो फीमेल होती है वो होती है, बच्चे होते हैं, और नॉर्मल जो फीमेल एलिफेंट होती हैं। इनके हर्ड में मेल फीमेल, मेल एलिफेंट नहीं होते हैं, बच्चे बूढ़े और नॉर्मल फीमेल एलिफेंट्स होती हैं। ये जहाँ भी जाते हैं एक ग्रुप में जाते हैं, जंगल की बात अगर की जाए तो, ठीक है। तो ओल्डेस्ट इनके जो हर्ड होता है, इनका ग्रुप होता है, उसमें ओल्डेस्ट फीमेल इज ए लीडर, जो सबसे बूढ़ी फीमेल होती है एलिफेंट, वही इनकी लीडर होती है, वही इनके साथ सबसे आगे आगे रहती है, उनको रास्ता बताती है, सब चीज़ें, ठीक है। द हर्ड हैव 10 to 12 एलिफेंट्स एंड यंग वंस, इसमें 10 से 12 एलिफेंट्स होते हैं जिसमें मेल नहीं होते, ओनली फीमेल होते हैं और यंग वंस होते हैं, ओके, ओनली फीमेल।
ठीक है, इस हर्ड में ये चीज जानने की। और जब ये यंग वंस जब बड़े हो जाते हैं तो ये भी फिर अपना ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये इंडिविजुअल अपना इनका आगे का प्रोसेस, इनकी अपनी फैमिली होती है, फिर वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि हर्ड है जिसमें बच्चे हैं, नॉर्मल एलिफेंट्स हैं, और सबसे ओल्डेस्ट फीमेल उनकी लीडर होती है। ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो लगभग कुछ सालों के बाद, 10 से 12 सालों के बाद, ये ग्रुप को छोड़ के इंडिविजुअल वो समझदार हो जाए, एडल्ट हो जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, फिर वो अपना ग्रुप बनाते हैं, उनकी अपनी फैमिली बनती है, इस तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइगर का। आप लोग तो जानते ही हैं टाइगर हमारा कितना, मतलब कितना सेंसिटिव और कितना तेज तरार हमारा ये एनिमल होता है। ठीक है, तो आइए टाइगर के बारे में हम बात करते हैं। टाइगर हैज ग्रेट सेंस ऑफ साइट। टाइगर के पास जो होती है सेंस ऑफ जो साइट होती है, वो टाइगर की बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, जो ह्यूमन होता है रात में अगर देखने की बात की जाए, तो जो ह्यूमन जो साइट है उसका 6 टाइम्स बेटर होता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की साइट के 6 गुना ज़्यादा ये टाइगर अगर नाइट में देखने की बात आए तो उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, इट कैन मूव इट ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपने कानों को ये डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमा सकता है टू कैच माइनर साउंड। माइनर साउंड इनके जो ये, कोई भी अगर उन्हें कहीं भी अगर झाप, अगर आप जंगल में गए होंगे, सफारी किए होंगे, तो देखते हैं कि ये छोटे झाड़ियों की भी थोड़ी सी अगर हल्की सी खरखराहट, ससराहट होती है तो भी इतनी अटेंटिव ये एनिमल होता है कि उसको तुरंत आभास हो जाता है, तुरंत अपने कानों को यूज करता है, और वो कुछ जो सेंस ऑफ साइट बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना कहीं उसको पता चल तक हाँ कोई आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग है। इनके जो विस्कर्स होते हैं ना, ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये अपने विस्कर्स को, इनकी सेंस ऑफ साइट बहुत स्ट्रांग है। अंधेरे में ये 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, कानों को अपने चारों तरफ मूव कर सकते हैं माइनर साउंड कैच करने के। इनके विस्कर्स का भी इनकी जो सारे माइनर साउंड सुनने में समझने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमारा इस सबसे स्ट्रांग एनिमल्स में अब लायन और टाइगर, टाइगर की बात की जाती है, क्योंकि हम जब आपने अगर सफारी की होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी टाइगर जहाँ से चलता है तो उससे तो वहाँ के सारे जो जीव जंतु हैं, स्पेशली बर्ड्स हैं, वो आवाज़ करने लगते हैं, डिफरेंट साउंड्स करने लगती हैं, और सबको आगाह करने लगते हैं कि अब टाइगर आ रहा है। तो टाइगर ऐसा है एनिमल है कि जब चलता है तो अपने आप लोग डर के सब सब लोग भाग जाते हैं, सारे एनिमल्स हैं जो भी बर्ड्स हैं सब तो भाग जाते हैं, और एक दूसरे को सचेत करने लगते हैं जब टाइगर आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल प्लांट्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्पेशल प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। नेपेंथिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए प्लांट, मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसमें एक होल टाइप का है, मटका टाइप का, ऊपर से ढक्कन टाइप का ये है। इसमें क्या होता है, इस जो प्लांट होता है ना, इसमें एक अलग सी स्मेल आती रहती है, रिलीज होती रहती है। तो जो भी इंसेक्ट होते हैं, माइस होते हैं, वो इसकी स्मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इनके मुंह पे पहुंचता है वो इंसेक्ट वगैरह, तो तुरंत ये ढक्कन की तरह से उनको कैप्चर कर लेता है और ढक्कन को बंद कर देता है। तो ये जो नेपेंथिस है वो स्पेशल काइंड ऑफ ए प्लांट है, होता है। इट ईट्स फ्रॉग्स, मेंढक हुआ, इंसेक्ट एंड माइस, इन सबको, छोटे छोटे जो जीव हैं इनको अपने स्मेल से अट्रैक्ट करता है, फिर जैसे ये लोग आते हैं इनको कैप्चर कर लेता है और फिर इनको बंद कर लेता है, फिर इनको यही इनका खाना होता है, फूड होता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इंडिया में ये केवल सिर्फ मेघालय में पाया जाता है, बाकी ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है,
अब हम लोग डेजर्ट ओक की बात करते हैं, तो डेजर्ट ओक जो प्लांट है वो केवल सिर्फ डेजर्ट में, जहाँ भी डेजर्ट होता है वहीं पे पाया जाता है, चाहे ये मोस्टली वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट्स हाइट गोज अप टू 12 to 15 feet एवव, यह जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर। ये जो ग्राउंड होता है ये इसके ऊपर, ये जो पेड़ होता है उसकी हाइट मैक्सिमम 12 to 15 feet ही होती है, बट इसके जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी अंदर तक जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डेजर्ट में पानी होता नहीं है, बहुत मिनिमम बहुत नीचे जाके पानी मिलता है, इनकी जड़ें तब तक नीचे जाती रहती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। तो इट गोज डीप इनसाइड टिल दे रीच वाटर, जब तक पानी मिलता नहीं है तब तक वो अब हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स में, अब हम बर्ड्स जो होती हैं इनकी जो आई होती है वो फिक्स होती है, जैसे हमारी आंखें होती हैं बिल्कुल सामने हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि देख साम जो भी दिखना सामने से, बट इनको क्या होता है कि इनकी जो आंखें होती हैं सामने नहीं होती बल्कि साइड में होती है, एक लेफ्ट एक राइट, इसीलिए इनको जब भी देखना होता है इनकी आई है, बर्ड्स हैव फिक्स्ड आई पोजिशन, इनकी आई पोजिशन बिल्कुल फिक्स होती है, सो दे कैन मूव देयर नेक, अपने नेक को मूव करके जो इनकी नेक होती है उनके मूवमेंट के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आउल कैन मूव इट्स नेक अप टू 360 डिग्री। जो बर्ड्स में आउल ऐसा है, उल्लू जिनको हम बोलते हैं कि उल्लू जो होता है वो रात में ही दिखता है हमें, और ये सबसे ज़्यादा अपने इसकी नेक की कैपेसिटी है वो 360। 360 का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कम्प्लीटली जहाँ से शुरू किया है वहाँ से ये अपने नेक को कम्प्लीटली जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से वापस ला सकता है। तो इसकी कैपेसिटी, नेक कैपेसिटी घुमाने की 360 है। इट हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू रोटेट इट्स नेक। ईगल काइट्स वल्चर हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आई साइट एमंग बर्ड्स। ईगल चील होता है, काइट्स वल्चर जो भी ये तीनों एनिमल्स होते हैं इनकी जो आई साइट होती है बर्ड्स में सबसे ज़्यादा होती है, ये इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान देना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आउल की मैक्सिमम नेक कैपेसिटी 360 एंड ईगल काइट्स एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आई साइट एमंग बर्ड, ठीक है। इग्रिट बर्ड सिट ऑन द बैक ऑफ कैटल। जो कैटल काउ गाय और जो भैंस होते हैं, आपने कभी जो लोग बेसिकली गांव के बैकग्राउंड से होते हैं उन्होंने बचपन में देखा होगा, जैसे मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे घर पे थी गाय और भैंस दोनों था, तो मैंने देखा होता कि उनकी जो पीठ होती है बैक होती है ना, यहाँ पे छोटे 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 इंसेक्ट थे, वो हमेशा बैठे रहते थे। तो इनका इग्रिट जो होता है उनको इग्रिट बोलते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट पाए जाते हैं, ये इग्रिट इनको भी जो सर्वाइवल मिलता है वो पेटल के बैक पे रहने से ही, वो खाते पीते वहाँ सर्वाइव करते हैं, और ये और कैटल के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी मतलब अच्छा सर्वाइवल है, वो इग्रिट इनके बैक पे रहता है वहाँ पे सर्वाइव करता है, और ये कैटलों के लिए भी काफ़ी। अब बर्ड्स में देखिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे बात होती है तो कुछ कुछ बर्ड्स हैं, जैसे हम जो कुकू, कुकू मतलब कोयल, कोयल जो होती है वो अपने एग्स को ना वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने एग्स को कौवे जो होते हैं क्रो उनके नेस्ट में अपने अपने एग्स को ले करती है, मतलब सेती है, वो फिर वहाँ से सेने के बाद उसके बच्चे क्रिएट, ठीक है। और जो कौवा होता है उसका जो नेस्ट होता है टॉप ऑफ द ट्री होता है, ठीक है। इंडियन रॉबिन, ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे किया हुआ है वो इंडियन रॉबिन, इंडियन जो रॉबिन होती है इट्स मेक्स ऑन रोड साइड इन बिटवीन स्टोन्स होते हैं, रोड पे पड़े स्टोन्स होते हैं उनके बीच में अपने घोंसलों को बनाती है और वहाँ पे अपने अंडों को ले करती है, ठीक है। ले करना मतलब सेना जो उनके ऊपर बैठ के उनको एक प्रोसेस होता है, फिर धीरे धीरे वो अंडे फूटते हैं, यहाँ पे उससे बच्चे चूजे निकलते हैं। बर्ड्स हैव बोट शेप्ड बॉडी। बर्ड की जो बॉडी होती है ना वो बोट शेप होती है, ठीक है। विंग्स
एंड फेदर्स, इनके जो विंग्स होते हैं फेदर्स होते हैं, ये जो विंग्स एंड फेदर्स हैं इनके कंप्लीटली होता है ना कि जो जिन पे वो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, विंग्स मतलब पंख होता है, फेदर्स टू हेल्प इन फ्लाइंग, इन्हीं फेदर्स और विंग्स की हेल्प से ये आसमान में उड़ पाते हैं। ठीक है, इनकी बोट्स और बॉडी होती है बोट शेप, और इनके विंग्स और फेदर की वजह से ये आसानी से आराम से उड़ पाते हैं। ठीक है, देखिए आज बर्ड्स एंड एनिमल्स जो टॉपिक था उसको मैंने कम्प्लीटली कवर कर दिया है, सारे बर्ड्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बर्ड से रिलेटेड एंड प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सब कवर किया है। आप उनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज करिए। ठीक है, अभी तो इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे कम्प्लीटली थ्योरी सेक्शन, उसके बाद जैसे ही 8 सेक्शन में डिवाइडेड है एवीएस मैं पढ़ाऊंगी। आज तीसरा सेक्शन था, आज तीसरा सेशन था, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो हर जो सेशन है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालूंगी, ताकि क्वेश्चन देखने बाद कंप्लीटली आप लोगों को कहीं से भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और अभी हम लोग ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं, ईवीएस 2-3 दिनों में मैं कंप्लीट कर दूंगी, इसके बाद मैं आगे मॉडर्न हिस्ट्री पे भी वर्क कर रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के सारा जैसे मटेरियल तैयार हो जाएगा तो उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड्स करके डालूंगी। उसके बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी, मैं कम्प्लीटली जीएस जो जो लोग कम्प्लीट सी टेट सेकेंड पेपर या यूपी टेट को कवर करना चाहते हैं, अच्छे से देना चाहते हैं, उनके लिए कम्प्लीटली मैं मटेरियल तैयार कर रही हूँ। आने वाले कुछ टाइमों में कम्प्लीटली उसको या अच्छे से उसको रिकॉर्ड करके डालूंगी, आप लोग अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग बीएड हैं वो तो आप समझ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है तो फर्स्ट पेपर देने कोई फायदा है नहीं, सेकंड पेपर आप देंगे तो बीएड वालों के लिए तो सेकंड पेपर ही है। उसके लिए आप अगर एसएसटी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, और अच्छे से मैं कम्प्लीट एसएसटी से पेपर 2 की सी टेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी। उसके लिए मैं मटेरियल ऑलरेडी काफ़ी तैयार कर चुकी हूँ, और ये ईवीएस के बाद मैं उसी को डालने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे बनी रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ओके, थैंक यू सो मच।